किन संबंध में बैठे हुए धरने पर क्या है? ये पेंशन उपकोष कार्यालय को दूसरी मंजिल पर शिफ्ट करते थे। हमारे जो कर्मचारी हैं, बुजुर्ग पेंशन है, महिलाएं हैं, विकलांग कर्मचारी है, उनको 25-30 सीढ़े चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। उनको बड़ी परेशानी हो रही है, कई कर्मचारी सीढ़ी गिर गए। उसी मुद्दे को लेकर पिछले एक साल से हम जिला प्रशासन से पत्र व्यवहार कर रहे हैं, के ज्ञापन दिए, किंतु जिला प्रशासन ने हमारी इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए आज मजबूरन हमें आज धरने पर बैठना पड़ा और ये हमारा धरना 11 दिन धरना रहेगा। 11 दिन तक धरने बैठेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। हमारा पेंशन कार्यालय पूरी तरह नीचे शिफ्ट नहीं होता, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मैं बताना चाहूँगा कि जिन कर्मचारियों ने 60 साल तक सरकार की सेवा की, आधुनिक कर्मचारियों के बुजुर्ग कर्मचारी जो 70 साल के 75 साल के, उनको आज धरने में बैठना पड़ा इसे भीषण गर्मी के लिए। इसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार है। जिला प्रशासन पूरी तरह उदासीन है और इसने हमें पूरी तरह नजरअंदाज कर रखा है। इसलिए हमारा धरना जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। हमारी मांग एक मांग है, जो भी हमारी मांग है, पेंशन उपकोष कार्यालय का जो ऊपर शिफ्ट करेगा उसको पूरी तरह शिफ्ट किया जाए। और आज का धरना हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मदन सिंह जी पवार हैं, उनके नेतृत्व में धरना दिया रहा है और यह हमारा धरना कंटिन्यू रहेगा। 2 घंटे का धरना है, हमेशा धरना चालू रहेगा हमारा। आपका नाम बताइए। करण सिंह, अध्यक्ष सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी संयुक्त सदन समिति अजमेर।